Let's start with question number 3 of exercise 8.1. If sine A is equal to 3 by 4, find cos A and tan A. Tan A, first of all, draw the triangle. Sine A, it means theta is here A, it will be B and C. So sine A ki values kya hoti hai hamare paas? Given hai 3 upon sine A is equal to 3 by 4. This is equal to P upon X. So here it means the value of P is given, that is 3, value of H is given, that is 4. This value we have to find out. And aap kya karenge, aapko ye ratio mein given hai, proportionate given hai. So suppose karenge, let this is equal to 3k and this is equal to 4k. By Pythagoras theorem we will find out first of all base. चलिए फाइंड करें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एच की वैल्यू है हमारे पास 4k का स्क्वायर, बी वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर इज 3k स्क्वायर, इट विल बी 16k स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. नाउ 7k रूट इज इक्वल टू बी, सो इट विल बिकम k रूट 7 इक्वल टू पी. सो के स्क्वायर है तो के तो बाहर आ जाएगा और रूट 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट विल बी लाइक दिस, रूट 7 इक्वल टू पी. सो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जो हमने फाइंड आउट की है, दैट इज के रूट 7. सो इट मीन्स ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. अब इसमें दूसरी चीज हमने ध्यान में रखनी है, कॉस ए एंड टैन ए वी हैव टू फाइंड आउट, और दोनों ही इसमें यहाँ पे ए है तो हमारे पास थीटा ए है, तो हमें ट्राइंगल में यही बेस है, यही परपेंडिकुलर है, हमें दूसरा ट्राइंगल नहीं बनाने की जरूरत है. सो कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच एंड टैन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी. इसमें हमारा बेस जो है दैट इज के रूट 7 एंड एच इज 4k, सो के कैंसिल हो गया, इट इज रूट 7 अपॉन 4. टैन ए पी की वैल्यू है हमारे पास 3k, बेस इज के रूट 7, सो के कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 3 अपॉन 7. So these are the two values that we need to find. हमें दोनों values find out करनी थी. हमने triangle में, अगर आपको already ratios given हो तो triangle में हमने इनको इनकी values को लिखा, but ये ratios में given थी इसलिए हमने इसको directly apply नहीं करेंगे. हम इसके साथ एक constant value लगा देंगे k, और फिर हम Pythagoras theorem apply करके k की base की value find out करेंगे, and then simply जो आपको table बताया था chapter के beginning में उसकी help से आप cos and tan की values टेबल से लिखेंगे और इस ट्राइंगल से उन वैल्यूज को फिल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड secant a. सो हमें cot a की वैल्यूज को आप किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, cot a इज इक्वल टू ये 15 इसके नीचे आ जाएगा 8 अपॉन 15. ठीक है, तो cot a की जो वैल्यूज है वो क्या होती है, b अपॉन p. It means in this triangle, this is the theta, base is given 8, perpendicular is given 15, we need to find out this h, hypotenuse humein find out karne ki need hai. So base, it means this is in the form of ratio, to hum kya karenge, constant value suppose karenge 8k and 15k, and by applying Pythagoras theorem, you will get this h. ठीक है, so इस triangle की naming कर लेते हैं, this is a, है ना, तो थीटा विल बी ए एंड बी एंड सी, बिकॉज इसमें राइट एंगल हमें गिवन नहीं है, राइट एंगल बी पे हो या सी पे हो तो हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. सो अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच वी नीड टू फाइंड, बेस इज 8k एंड परपेंडिकुलर इज 15k स्क्वायर. Now 8 square is 64k square, 15k square is 225k square, इनको add करेंगे it will become 289k square,
यहाँ पे एच स्क्वेयर, एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रूट कर देंगे 289 के स्क्वेयर. सो 289 किसका स्क्वेयर है? 17 का. सो हेयर द वैल्यू ऑफ एच इज 17 के. अब हमारे पास जो वैल्यू 17 के की आ गई है लाइक दिस, जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको. नाउ हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सारी वैल्यूज गिवन है. तो चलिए जल्दी से, हमें क्या चाहिए? साइन ए की वैल्यू एंड सीकेंट ए की वैल्यू, राइट. चलिए, वी नीड टू फाइंड आउट साइन ए एंड सीकेंट ए. साइन ए की वैल्यू, साइन ए होता है हमारे पास पी अपॉन एच एंड सीकेंट ए इज एच अपॉन पी. ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 15 के, हाइपोटेन्यूज है 17 के, के कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर इज 15 अपॉन 17. सीकेंट ए में हाइपोटेन्यूज है 17 के, बेस इज 8 के कैंसिल हो जाएंगे. तो 17 अपॉन 8 इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए. इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.